हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, आपका हिंदी का जो एग्ज़ाम होना है उसमें निबंध लेखन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और निबंध लेखन में जैसे कि कई स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया और कह रहे थे कि सर निबंध कौन सा आ सकता है, आप उसे जो है निबंध को बताइए। तो देखिए, इसमें अपन जो क्या करेंगे कि जो निबंध लेखन है इसमें मैंने कई सारे टॉपिक्स मैं पहले तो आपको दे देता हूँ कि किस पर आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे जो फिलहाल जो एक तो क्या होता है एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, सदाबहार टॉपिक जिस पर निबंध आता ही आता है, और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो ज्वलंत होते हैं उस पर निबंध आ सकता है। तो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे जो है इंक्लूड किए हैं इसमें, और आपका मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर तकरीबन 15 के आसपास टॉपिक। तो मैं आपको पहले तो टॉपिक दिखा देता हूँ किस किस पर आ सकता है, और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर भी आ सकता है तो आप भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि मैं उस पर भी निबंध आपको लेखन बता सकूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 400 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपको आपको जो निबंध लिखना होगा तो उसमें में जो टॉपिक है वो ये है कि जैसे पहला तो है बाल विवाह एक अभिशाप, है ना। मतलब ये हमेशा जो है वो रहता है एक प्रकार से चर्चा में रहता है, और बाल विवाह एक अभिशाप है। इसे जैसे जैसे ही सीजन आती है, चूँकि अभी शादियों के सीजन तो हैं, तो इस प्रकार ये टॉपिक जो है वो चर्चा में रहता है, तो इस पर निबंध आ सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के लोकगीत, चूँकि अपन राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान के लोकगीतों पर जो है वो निबंध पूछा जा सकता है। अगला है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, छोटी क्लास से लेकर के हाई लेवल तक के जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, तो पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। उसके बाद में है प्रौद्योगिकी, चौथा टॉपिक जो है वो है प्रौद्योगिकी वर्तमान समय की आवश्यकता, जो टेक्नोलॉजी है ना लगातार बढ़ती जा रही है, रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इस पर जो है वो आपको एक अच्छा सा निबंध तैयार कर लेना चाहिए, ताकि अगर इस टॉपिक पर अगर आपका निबंध आता है तो एग्जाम में आप लिख सको। वैसे तो आपको एग्जाम में 4-5 टॉपिक मिलेंगे, उसमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, तो जो सबसे बढ़िया आपका निबंध तैयार हो उस पर आप लिखिएगा। और देखो निबंध कैसे लिखना, मैं आगे आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना, जैसे उसमें गद्य का प्रयोग करना है, पद्य का प्रयोग करना है, कुछ और चीज़ें मैं आपको आगे निबंध में बताऊंगा। अगला है पांचवा टॉपिक, वो है भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या। देखिए भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, आप किसी भी कार्यालय में जाइए आपका काम जो है वो अटका दिया जाता है, और काम अटकाने का मुख्य कारण क्या है जो है वो भ्रष्टाचार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, तो महिलाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण में किस तरीके से हो सकती है, आप इस पर एक लंबा सा एक अच्छा सा निबंध तैयार कर लीजिएगा। अगला है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, देखिए महिलाओं से रिलेटेड है तो इसी से मिलता जुलता एक है राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका। अब देखिए एक बात और मुझे याद आ रही कि जैसे नारी की भूमिका राष्ट्र निर्माण में अगर नारी की भूमिका करें तो नारी शिक्षा है ना या बालिका शिक्षा, इस पर एक अच्छा सा टॉपिक जो बनता है एक निबंध बनता है, तो बालिका शिक्षा इस पर आप एक निबंध अच्छा सा बढ़िया तैयार कर लीजिएगा। अगला है टॉपिक जो हमारा वो है क्षेत्रवाद और भाषावाद राष्ट्र निर्माण में एक रुकावट। ठीक है ना, ये जो इसमें सारे जो टॉपिक हैं इस पर अपन निबंध तैयार करेंगे। पहले मैं आपको एक बार टॉपिक दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। आगे है कैरियर डे वर्तमान समय की उपयोगिता, आप देखिए दिनों दिन कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, हर क्षेत्र में जो है वो प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, तो कैरियर डे जो मनाते हैं अपन 12 जनवरी को आपको याद होगा, तो कैरियर डे विद्यार्थियों के लिए कितना उपयोगी है आप उसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से इस निबंध में बताएंगे। उसके बाद में आगे है वोकेशनल एजुकेशन छात्र हित में उपयोगिता, तो देखिए आजकल स्कूलों में क्या है कि गवर्नमेंट ने वोकेशनल एजुकेशन शुरू कर दिए, कई स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन चलता है और सरकार इसे और लगातार बढ़ाती जा रही है, तो ये जो वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि अभी है ना एक बेरोजगारी एक प्रकार की गंभीर समस्या है, ये बेरोजगारी इस पर भी अपन एक निबंध लिखेंगे, तो इस बेरोजगारी को रोकने के लिए जो है ना वोकेशनल एजुकेशन चला रही है गवर्नमेंट, ताकि बच्चे जो है कुछ ऐसे कौशल सीख लें और अपने आप जो है अपने आप पर निर्भर हो सकें, तो ये वोकेशनल एजुकेशन होता है छात्र हित में उपयोगी, इस पर निबंध आ सकता है। अगला है योग वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता, देखिए सबसे जो ट्रेंड में जो टॉपिक रहते हैं तो योग है, तो योग पर जो है ना आप एक अच्छा सा निबंध तैयार कर लीजिएगा, ये कोरोना काल में कितना सहायक सिद्ध हुआ था और एक प्रकार से पूरे विश्व स्तर पर
योग की चर्चा रही है। उसके बाद में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या, बिल्कुल इस पर आप एक निबंध तैयार कर लीजिएगा। अगला हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण प्रदूषण। उसके बाद में 5G प्रौद्योगिकी विकास में सहायक या बाधक। देखिए 5G टेक्नोलॉजी जो लगातार बढ़ती जा रही है, और आपने देखा बड़े बड़े शहरों में तो 5G शुरू भी हो चुका है, ठीक है ना। तो रिलायंस ने, एयरटेल ने अपने इंडिया में भी जो है वो 5G की सेवाएँ शुरू कर दी हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी जो है, 5G प्रौद्योगिकी जो है, वो किस तरीके से विकास में सहायक है या फिर किस तरीके से बाधक है, या फिर इसके बारे में 5G टेक्नोलॉजी पर आप एक अच्छा सा निबंध तैयार कर लीजिएगा, और ये काफी जो है वो लेटेस्ट है तो ये आ सकता है। उसके बाद में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या रोकने के उपाय, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या, ये एक टॉपिक रहेगा। तो ये हमने 15 टॉपिक लिए हैं, और इसमें से आप जो है मुझे बताइएगा कि इसके अलावा और कौन से ज्वलंत मुद्दे हो सकते हैं जिस पर आपका निबंध आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें जो इम्पोर्टेंट निबंध जो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, इस पर अपन निबंध भी तैयार करेंगे। तो मिलते हैं जस्ट ही नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।